पूर्वक प्रदर्शन करना अब हमारे देश में जो है गुनाह हो गया है, गुनाह हो गया है, गुनाह हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो हुआ है डेमोलिशन, ये टोटली इलीगल है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फॉर्मर इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने भी कहा है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश भवन पे और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भीड़ मौजूद है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से पुलिस फोर्स है, एक एक को पकड़ कर कैसे लेकर जा रही है, डिटेन कर रही है, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारे देश में गुनाह हो चुका है। लगातार इसी तरीके से सभी लोग जो है पुलिस टुकड़ी है, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। सामने देखिए किस तरीके से बसों में ठूसा जा रहा है, किस तरीके से उन्हें डिटेन करके उन्हें लेकर जाकर किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी सभी लोग मौजूद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा की गई टिप्पणी के अनुसार, क्योंकि जो नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की थी उसी के चलते यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो मुस्लिमों पर जो उन्होंने प्रोटेस्ट शांति विरोध प्रदर्शन किया था और उनके घरों पर अब बुलडोजर चल गया है, उसी के चलते यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। और लगातार आप सामने देख सकते हैं पूरा नेशनल मीडिया मौजूद है, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। किस तरीके से सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस वाले इनको डिटेन करके ले जा रहे हैं, किस तरीके से खींच के ले जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कैसे सभी लोग जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं और उनको डिटेन किया जा रहा है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे बसों में ठूसा जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना अब हमारे देश में जो है गुनाह हो गया है। सभी जो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं वो भी मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से एक हिंदी नहीं। आप फ्रीम को लेकर क्या कहना है आपका? We stand with the freedom. बोलिए please. देखिए किस तरीके से जो है बोल भी नहीं पा रहे हैं, इनको लगातार डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है जानवरों की तरह। हम अभी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। We'll stand with her. And what are the bulldozing action? You think this is wrong? What the of course it is wrong. What is a matter to question that? It is contemptibly wrong. जितने भी प्रोटेस्टर थे यहाँ पर, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम लोगों को गाड़ी में ठूसा जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये झंडा फहरा रहे हैं और लगातार इन लोगों को जो है ठूसा जा रहा है। आफरीन पर जो है हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो है उन्हें डिटेन कर लिया गया। सभी तमाम जितने भी यहाँ प्रोटेस्टर थे उनको जानवरों की तरह बसों में भरा जा रहा है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सामने किस तरीके से उन्हें ठूसा जा रहा है, किस तरीके से उन्हें ले जाया जा रहा है। किसी से बात भी नहीं करने दे रहे हैं। सारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। योगी एंड मोदी, सो वी हैव सम डिग्निटी एंड विल लिव आवर लाइफ विद डिग्निटी हियर इन इंडिया इंशाल्लाह। कहाँ से आए आप? जामिया मिल्लिया से। क्या नाम है? आयशा। जब आफरीन पे आफरीन कर रही है। चलो चलो आप भी चलो। किस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है, किसी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे पर जो है बात नहीं की जा रही है। सामने भी और भी लोग हैं जो इनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर मुझे इन्होंने क्यों डिटेन किया मुझे नहीं पता। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो हुआ है डेमोलिशन, ये टोटली इलीगल है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फॉर्मर इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने भी कहा है। और वो घर आफरीन फातिमा के फादर के नाम नहीं था जिनके खिलाफ नोटिस आया था, तो टोटली इलीगल डेमोलिशन। जी उनकी माता के नाम था, तो वो डेमोलिशन टोटली इलीगल डेमोलिशन है। जो काम सरकार कर रही है वो काम सरकार का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात,
जो फॉर्मर जजेस हैं, जो कानून के बारे में जानते हैं, उनका साफ कहना है कि ये इलीगल डेमोलिशन था। तो जुडिशरी और या गवर्नमेंट मशीनरी एज अ इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में काम कर रही हैं और इसका नुकसान पत्रकारों को भी हो रहा है। वो गोदी पत्रकारों को नहीं हो रहा है, लेकिन जो पत्रकार गोदी नहीं है, जो मीडिया कंट्रोल्ड में काम नहीं करती, उनको नुकसान हो रहा है। आगे की लड़ाई इनको जो संविधान को रोंद रहे हैं, इनको एक्सपोज करके लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई पत्रकार भी लड़ेंगे, जो गोदी मीडिया के खिलाफ भी लड़ी जाएगी। थैंक यू सो मच। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, सीधी सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सभी जो है यहाँ पर पूरे बसों में ठूस लिया गया है। सामने देख सकते हैं स्टॉप डिमोलिशन मुस्लिम होम्स, लगातार जो है मुस्लिमों को टारगेट करते हुए उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब देख सकते हैं सामने किस तरीके से आफरीन को लेकर भी यहाँ पर लगातार लोग यहाँ मौजूद है, सारे प्रोटेस्टर है जो उनको भर लिया गया है बसेस में, डिटेन कर लिया गया है, आप उन्हें थाली ले जाया जा रहा है। किस तरीके से हमारे देश की जो विडंबना है आप देख सकते हैं, किस तरीके से सामने आप सारी तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे किस तरीके से तमाम लोगों को जो है जो प्रोटेस्टर थे उनको लगातार डिटेन करके यहाँ पर भर के लेके गए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं यूपी भवन, इसके सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है या शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा था और इसी के चलते किया जा रहा था, जो नुपुर शर्मा है, नुपुर शर्मा ने जो मोहम्मद साहब पर जो अभद्र टिप्पणी की है उसी के चलते जो मुस्लिमों ने जो नमाज जुम्मे की नमाज थी शुक्रवार को लगातार विरोध प्रदर्शन किया था शांतिपूर्वक, उन्हीं के अब घरों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार मुस्लिमों पर जो है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप सामने देख सकते थे किसी तरीके की तस्वीरें थी, सभी को डिटेन किया जा रहा था, सभी जो है अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जानवरों की तरह गाड़ी में ठूस कर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने सभी जो है पुलिस फोर्स मौजूद है, लगातार उनको जो है प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, 5 मिनट भर का ये प्रोटेस्ट किया गया है और लगातार उनको ठूस लिया गया गाड़ियों में। इसी तरीके से हमारे देश में अगर कोई भी हक अधिकार की बात करता है तो उसको किस तरीके से दबा दिया जाता है, किस तरीके से एक देश का एक तरफा कानून कार्रवाई करता है आप सामने देख सकते हैं। इसी तरीके से आफरीन फातिमा है जो उसके लिए भी यहाँ प्रोटेस्ट किया गया और किस तरीके से उन्हीं के घरों पे बुलडोज़र चला दिया गया, उन्हीं मुस्लिम लोगों के घरों पर ही बुलडोज़र चलाया गया, उन्हीं को ही डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एक तरफा कानून बताया जा रहा है आप सामने तस्वीरें आपने देख ली किस तरीके से लोगों को जानवरों की तरह ठूसा जा रहा है। हमारे देश में जबकि लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने हक अधिकार की बात करने का पूरा पूरा हक है, अपनी बात रखें, विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन को भी किस तरीके से ख़राब करके ये लोग पुलिस की पूरी फोर्स जो यहाँ पर मौजूद थी कैसे डिटेन कर लिया आप सामने देख सकते थे। इसी तरीके से उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी मैं यही उत्तर प्रदेश भवन पर ही मौजूद हूँ और आपने सारा तमाशा खुद अपनी आँखों से देखा किस तरीके से उन्हें ले जाया गया और सभी को जो है ठूसा जा रहा था भेड़ बकरियों की तरह, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है इस देश में। सभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार बात करते हैं समानता की और देश में एकता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एकता दिखती हुई नज़र नहीं आती है। सबका साथ सबका विकास के साथ ये सरकार आई थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं वादा और दावा फेक होता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, खासकर क्या एक मुस्लिम कंट्री को ही, मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है आप सामने देख सकते हैं। इसी तरीके से सभी लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को लगातार भर लिया गया और सामने ये तमाशा आपके सामने है। सारी पुलिस फोर्स मौजूद है, बैरिकेटिंग की हुई है ताकि वो यहाँ पर अपनी आवाज़ ना रख सकें। थोड़ा बहुत पहुँचे थे वो उत्तर प्रदेश भवन के सामने, उस तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था शांतिपूर्वक, लेकिन उन्हें भर लिया गया, ठूस लिया गया।
इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली।